एक आदमी ने पूछा है कि रेकी हीलिंग करते समय हाथों को मलना, हथेलियों को मलना जरूरी क्यों है? तो मैंने जब पूछा कि आप कैसे रेकी देते हैं, वो बोले नहीं मैं तो नहीं मलता, पर हमें बताया गया है कि रेकी मलना जरूरी है, तो पर क्यों? देखिए, रेकी हीलिंग से पहले जब आप रेकी को बुलाते हैं तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कैसे करना होता है। सबसे पहले रेकी को बुलाते हैं आप, उसके बाद हल्के से हाथ मलते हैं, जरूरी नहीं कि जोर से घिसे, हल्के से हाथ मलेंगे। इसका मतलब है कि जो हैंड चक्रास हैं, हमारे हथेलियों में चक्र होते हैं, हैंड चक्रास हैं वो एक्टिवेट होंगे, और जो आपने अटूनमेंट ली है रेकी की, उसके जितने भी सिंबल्स के अटूनमेंट लिए है, शक्ति पात लिया है, वो हथेली से निकल के बाहर आएंगे और अपनी शक्ति दिखाएंगे, एनर्जेटिक होंगे, और उसी से हीलिंग होती है। इसलिए हाथों को मलना बहुत ज़रूरी है ताकि हथेलियाँ एक्टिवेट हों, हाथों के चक्र जो है हैंड चक्रास बोलते हैं एक्टिवेट हों, और अटूनमेंट लेने के बाद ये हीलिंग का बहुत तेज़ी से अपना काम करें। कुछ लोग बोलते हैं हम ऐसे ही करते हैं, और पर हफ्ते में एक दिन करते हैं, दो दिन करते हैं हीलिंग, और हमको ज़्यादा फील नहीं होता, उसकी एनर्जी फील नहीं होती। इसीलिए फील नहीं होती क्योंकि आप हफ्ते में एक बार या दो बार करते हो। रेगुलरली कीजिए, हल्के से हाथ मल के और वहाँ पर रखिए जहाँ पर भी आपको हीलिंग करनी है, और मतलब रोज़ करिए, ये ज़रूरी है, इसकी शक्ति बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि रोज़ करो, अपने आप को करो, नहीं तो पौधों को करो, पौधों को भी वैसे ही करते हैं। तो जितना आप ज़्यादा रेकी दोगे उतनी ज़्यादा शक्ति बढ़ेगी आपके हाथ में, कि कैसे बढ़ानी है।